अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भूलिए ब्रह्म ज्ञान प्रदाता गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरु भक्तों, भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य निधि है उपनिषद। इन उपनिषदों के मध्य हमारे अध्यात्म का विशुद्ध ज्ञान निहित है और इन्हीं में से एक है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके मध्य मंत्र आता है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर मा अमृतम गमय। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हमें असत्य मृत्यु अज्ञान से सत्य ज्ञान अमृत की ओर ले चलो। यदि हम ध्यान दें तो ये शब्द एक सत्य को प्रकट करते हैं और वह सत्य क्या है कि सृष्टि में जीवात्मा पर दो शक्तियां हैं जो सदैव कार्यरत रहती है, एक जो उसे अज्ञान असत्य की ओर खींचने वाली है और दूसरी जो उसे सत्य ज्ञान के साम्राज्य में ले जाने का सामर्थ्य रखती है। महर्षि अरविंद ने इन्हीं शक्तियों को कॉस्मिक एनर्जी और एंटी कॉस्मिक एनर्जी कहा है। कॉस्मिक एनर्जी इज द लाइफ फोर्स दैट इज एग्जिस्टेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। इस संसार में, विश्व में, इस ब्रह्मांड में हम जहां कहीं भी जीवन को देखते हैं, विकास को देखते हैं, वह इसी शक्ति से है। हमारे शास्त्रों में संतों ने उसे ईश्वर की दिव्य शक्ति कहकर संबोधित किया है। वहीं एंटी कॉस्मिक एनर्जी के विषय में महर्षि अरविंद कहते हैं कि सृष्टि के सृजन के समय असत्य का असुर उत्पन्न हुआ था और यह कोई काल्पनिक प्रतीक नहीं बल्कि वास्तविक और शक्तिशाली सत्ता है और इसका मकसद है धरा से सदाचार को समाप्त करना। इस एंटी कॉस्मिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, असत्य के असुर को सरल भाषा में शैतान कहा गया है। और जब कभी भी शैतान ने, नेगेटिव एनर्जी ने इस संसार में असत्य, पाप, अशांति का विस्तार किया है, उसके साम्राज्य को स्थापित किया है, तब तब वह दिव्य शक्ति, वह कॉस्मिक एनर्जी इस धरा पर प्रकट होती है सतगुरु के रूप में। और वह सतगुरु ज्ञान के द्वारा मनुष्य को उससे मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। लेकिन उस ज्ञान मार्ग पर बहुत कम लोग हैं जो बढ़ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु किश्चित् यत्ति सिद्धेय। हजारों में से बहुत कम लोग हुआ करते हैं जो इस ज्ञान मार्ग पर बढ़ पाते हैं और उनमें से भी कोई विरला ही है जो इसे प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह विरले सतगुरु द्वारा चुने हुए साधक, सृजन सेनानी जब अपने दिव्य लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते हैं तो शैतान उन्हें भटकाने के लिए उन पर प्रहार करता है। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है, जब ज्ञान मार्ग पर बढ़ने वालों की संख्या इतनी कम है तो क्यों शैतान अपना पूरा बल सामर्थ्य लगाकर इन्हें लक्ष्य से विस्मित करने का प्रयास करता है? इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, जिस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लक्ष्य चुना, प्रयास किया और भारत माता को स्वतंत्र करवाया, तो स्वतः ही संपूर्ण भारतवासियों को स्वतंत्र भारत प्राप्त हो गया। वह भी गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गई, उनके ऊपर से भी अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया। और इसी सत्ता के छिन जाने के भय के कारण अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर घोर अत्याचार किया। इसी तरह जब सृजन सेनानी बढ़ते हैं अज्ञान के विरुद्ध और उनकी विजय समाज में जो मानव जाति है उससे, शैतान के साम्राज्य से, उसके बंधन से मुक्त करा, उन्हें भी असत्य से सत्य की ओर अग्रसर कर देते हैं। आपने देखा होगा किसी भी स्थान क्षेत्र में दुष्ट व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति, ये बहुत कम हुआ करते हैं।
और जो बाकी जन साधारण हैं वो इनका ही अनुसरण करते हैं। मान लीजिए एक स्थान पर एक क्षेत्र में किसी दुष्ट व्यक्ति का दबदबा है, तो अब जो बाकी लोग हैं वह भी नियमों की उल्लंघना करते हुए संकोच नहीं करते, पाप करते हुए उनके भीतर भय उत्पन्न नहीं होता। पर जब उसी क्षेत्र में किसी सज्जन व्यक्ति का अधिकार हो जाए तो अब वही लोग पाप करने से भय करते हैं, नियमों की उल्लंघना करने से संकोच होता है उनके भीतर, और वह भी सद्कार्यों की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं। इसी तरह जब सृजन सेनानी अपने लक्ष्य को विजित कर लेते हैं तो जन साधारण भी ज्ञान के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है, और शैतान एंटी कॉस्मिक एनर्जी ने जो साम्राज्य अशांति का विस्तार किया था वह समाप्त हो जाता है। और इसी सत्ता के छिन जाने के भय के कारण शैतान भक्तों पर साधकों पर प्रहार करता है। और ये प्रहार कैसे हैं? ग्रीक माइथोलॉजी में कथा आती है एक्लिस की। जब वह शिशु था, बालक था, तो उसकी माता ने उसे अमर बनाने के लिए स्टिकिस नदी में डुबो दिया, जिससे उसका शरीर अमर हो गया। लेकिन नदी में डुबोते हुए उसकी माता ने उसके पांव के जिस एड़ी से उसे पकड़ा था वो एड़ी, वो हील उस जल का स्पर्श नहीं कर पाई, इसलिए उसके शरीर का वह भाग अमर नहीं हो पाया। एक्लिस एक बहुत बड़ा योद्धा बना, उसने बहुत से युद्धों को जीता, लेकिन ट्रोजन वॉर में उसके शत्रु ने उसके उसी कमजोर पक्ष, उसी हील एड़ी पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। और आज भी किसी व्यक्ति वस्तु के कमजोर पक्ष को एक्लिस हील कहकर संबोधित किया जाता है। शैतान नकारात्मक शक्तियां भी साधक की एक्लिस हील अर्थात उसकी कमजोरियों पर प्रहार करती है। भक्तों, यूं तो एक साधक में ऐसे बहुत से दोष, बहुत सी कमियां हुआ करती हैं जो इस मार्ग पर उसकी गति को बाधित करती है, लेकिन तीन ऐसे पक्ष हैं, तीन ऐसे दोष, ऐसी कमियां हैं जिस पर नकारात्मक शक्तियां विशेष रूप से प्रहार करती है, और जिसमें से एक है साधक की पवित्रता मर्यादा पर काम वासना का प्रहार। और यदि साधक इससे प्रभावित होकर अपनी मर्यादा की उल्लंघना कर दे या अपवित्रता की ओर बढ़ जाए तो उसका पतन निश्चित है। योगानंद परमहंस जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक घटना का वर्णन करते हैं। जिस समय वह युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम में शिष्य के रूप में रहा करते थे और उस समय उनका नाम मुकुंद था, वह लिखते हैं कि हमारे आश्रम में कुमार नाम का एक युवा आया जो तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था, लेकिन अपनी उसी बुद्धि से वह आश्रम के नियमों में त्रुटियां निकालता, कमियां निकालता, दोष निकालता, और एक बार उन्हीं नियमों की उल्लंघना कर वह आश्रम छोड़कर चला गया। जब कुछ दिनों बाद वह आश्रम में लौटा तो सभी देख पा रहे थे उसमें एक अप्रिय परिवर्तन था। उसके चेहरे का तेज विलुप्त हो चुका था और सामने खड़ा था एक साधारण सा युवा जो बुरी आदतों में फंस चुका था। उस समय युक्तेश्वर गिरी जी ने मुकुंद को अपने पास बुलाया और कहा, मुकुंद, तुम कुमार को कल ही आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए कह देना, क्योंकि अब वह आश्रम में रहने के योग्य नहीं है। ये कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि ये मैं स्वयं नहीं कह पाऊंगा मुकुंद। और आज शिष्य गुरु के चेहरे पर पीड़ा का अनुभव कर रहा है, पीड़ा को देख पा रहा है, और उसी पीड़ा में युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा, मुकुंद, अगर वो मेरा कहना मान लेता और बाहर जाकर विकारी लोगों का संग ना करता तो आज उसका पतन ना होता। साधकों, हो सकता है इस संसार में मलिन चरित्र से आप कुछ प्राप्त कर भी ले, लेकिन अध्यात्म में यह संभव नहीं है, क्योंकि अपवित्रता के आसन पर अध्यात्म कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हुआ करता। और इसीलिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है, चरित्र सर्वोपरि है। हम आपके हर अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन चरित्र हनन का अपराध अक्षम्य है। यहां हमें एक तथ्य को समझना होगा, निसंदेह ब्रह्म ज्ञान विकारों पर, मन पर विजय पाने का एक सटीक मार्ग है, लेकिन जब तक हम उस स्तर को पा नहीं लेते,
उस स्तर पर नहीं पहुंच जाते जहां हम इस ब्रह्म ज्ञान को पूर्ण रूपेण फलीभूत कर ले, तब तक हमें अमर्यादा अपवित्रता से एक दूरी बनानी होती है। इस एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को असाध्य रोग हो जाए, उसे औषधि भी मिल जाए, लेकिन डॉक्टर उस दवाई औषधि को देते हुए उस व्यक्ति को कुछ परहेज बताता है। अगर वह रोगी वहां परहेज ना करे तो उसका रोग दूर नहीं होता और वह अपने जीवन की हानि तक कर लेता है। इसी तरह अगर साधक विकारों से परहेज ना करे, विषय वासनाओं से परहेज ना करे, अपवित्र विचारों से परहेज ना करे, तो उसकी साधकता की भी हानि हो जाया करती है। अजामिल का हमने अनेक बार उदाहरण सुना है। अजामिल के गुरु जानते थे कि वह अभी इस मार्ग पर अपरिपक्व है, अभी दृढ़ नहीं हो पाया। इसीलिए उनके गुरु ने कहा था, अजामिल नगर से होकर मत जाना। लेकिन जब अजामिल ने उस मर्यादा की उल्लंघना कर दी तो उसका पतन हो गया। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जिस प्रकार से एक कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से अध्यात्म मार्ग पर बढ़ते हुए साधक को, योगी को भी अपनी इंद्रियों को विषय वासनाओं से हटा लेना चाहिए। और इस प्रक्रिया को, इस गुण को संयम कहा है हमारे संतों ने। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते चलते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार नदी में जल का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह जल बाढ़ का रूप ले लेता है और विनाश करता है। लेकिन जब उसी नदी पर एक सुदृढ़ बांध बंधा हो तो वह जल जो विध्वंस करने वाला था, अब वही जल विकास में, सृजन में उपयोगी हो जाता है। ऐसे ही जब साधक संयम के दृढ़ बांध को बांध लेता है, तब विकारों का वह वेग जो उसका पतन कर देने वाला है, वही ऊर्जा उसे आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती है। लेकिन यहां को बुद्धि, यहां को तर्क रख देती है कि अपने इंद्रियों को इस प्रकार से संयमित करना, यह तो हठयोग हो गया, यह तो नियमों के विरुद्ध है, यह प्रकृति के विरुद्ध है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना इस प्रकार से। नहीं, इसे एक और उदाहरण से समझते चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति भीषण अग्नि लाए और आपसे कहे कि आप अपना हाथ इसमें डाल दीजिए। वो अग्नि आपको आकर्षित लग रही है, पर आप थोड़ा सा संकोच करते हैं तो वही व्यक्ति कहता है कि क्या हुआ, पहली बार ही तो आग में हाथ डाल रहे हो, डाल लो। आप जानते हैं आग में पहली बार हाथ डाले या 100 बार, आग ही भेद नहीं करती। वह आपको उसी रूप से जलाएगी, उसी रूप से हानि पहुंचाएगी, इसलिए आप अपने हाथों को नियंत्रित कर लेते हैं। ये आपका हट नहीं है, ये आपकी बुद्धिमता का परिचायक है। इसी तरह जब साधक विकारों से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, संयमित करता है, तो वह विकार जो उसे समाप्त कर देंगे, उसकी हानि कर देंगे, वह इस संयम के गुण को धारण करते हुए अपनी बुद्धिमता का ही परिचय देता है। और यह संयम का गुण भक्तों प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि प्रकृति का प्रथम नियम है जीवन का रक्षण करना। और साधक इस संयम के गुण को धारण करके अपनी साधकता का संरक्षण करता है, अपनी साधकता का रक्षण करता है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने हम सभी साधकों को समझाया है कि निसंदेह हमारा मन कमजोर है, इसलिए जिन परिस्थितियों में हम भूल कर सकते हैं उन परिस्थितियों से सदैव अपने आप को दूर रखें। यदि अकस्मात वो परिस्थितियां बन जाएं तो स्वयं को वहां से हटा लें। हमेशा शुभ और पवित्र विचारों का ही संग करना है, क्योंकि आपको ऐसा शिष्य, ऐसा साधक बनना है कि आने वाला समाज चरित्र के रूप में, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में आपके जीवन से प्रेरणा ले। इसलिए गुरु भक्तों, अगर हम शैतान के इस काम वासना प्रहार से बचना चाहते हैं तो हमें हर उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और विचार का त्याग करना होगा जो हमें अपवित्रता, मलिनता के दलदल में खींच लेने वाला है। शैतान के इस प्रहार से बचने के लिए हमें संयम के गुण को धारण करना होगा।
अब चलते हैं दूसरे पक्ष की ओर, दूसरे दोष की ओर साधक के। एक बार योगानंद परमहंस जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और अकस्मात ही उन्होंने प्रश्न कर दिया कि वह कौन सी चीज शक्ति है जो पृथ्वी को उसके परिक्रमा पथ से भटकने से रोक लेती है। एक नवयुवक वहां बैठा था, उस शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, गुरुदेव यह सूर्य की सेंट्रल पिटल फोर्स केंद्राभिमुखी शक्ति है जो पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है और उसे बाहरी अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाने से बचा लेती है। योगानंद जी ने पुनः प्रश्न कर दिया, तो वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी चीज, कौन सी शक्ति है जो पृथ्वी को पूरी तरह से सूर्य में मिल जाने नहीं देती, उसकी ओर खिंच जाने नहीं देती। उससे शिष्य ने पुनः उत्तर दिया, गुरुदेव यह पृथ्वी की सेंट्रल फुगल फोर्स अपकेंद्रीय शक्ति है जो सूर्य से एक निश्चित दूरी बनाकर रखती है। गुरुदेव ने यह सुना, मुस्कुराकर उस शिष्य को देखा और उस विषय को वही छोड़ दिया। गुरुदेव ने तो विषय को छोड़ दिया, लेकिन साधक जानता है, शिष्य जानता है, गुरु का कोई भी वक्तव्य वचन ऐसे ही नहीं हुआ करता, अवश्य गुरुदेव उसे कुछ संकेत दे रहे हैं। उसने बड़ा मंथन किया, बड़ा विचार किया, पर वह उस रहस्य को खोज नहीं पाया और तब वह ध्यान की अवस्था में उतर गया और तब उसके समक्ष यह रहस्य प्रकट हुआ। वह जान गया कि गुरु का प्रेम जो उस आकर्षण की तरह है जो शिष्य को अपनी ओर खींचता है, और गुरु का यह प्रेम, गुरु का आकर्षण ही सूर्य का प्रतीक है, और अहंकारी शिष्य जो गुरु से दूरी बनाकर रखता है वह पृथ्वी का प्रतीक है। जी हाँ भक्तों, अहंकार यह है साधक का दूसरा दोष, दूसरी कमी, जिस पर शैतान प्रहार कर उसे मार्ग से भटकाता है। अहंकार के विषय में दिव्य धाम के मंच से गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने विचारों को एक बार व्यक्त किया था और गुरुदेव ने बताया था कि संसार में मनुष्य के भीतर कई प्रकार के अहम मद हुआ करते हैं। किसी को अपने धन का अहंकार हुआ करता है, किसी को अपने ज्ञान का, विद्या का अहंकार होता है, किसी को जाति का, तो किसी को अपने गुणों का अहंकार हुआ करता है। अनेक प्रकार के अहंकार हैं, लेकिन ये अहंकार कैसा भी क्यों ना हो, किस भी रूप में क्यों ना हो, यह व्यक्ति का नाश कर देने वाला है, व्यक्ति का विनाश कर देने वाला है। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है, यह जानने की आवश्यकता है कि यह अहंकार उत्पन्न क्यों होता है। और उस समय गुरुदेव ने इस कठिन तथ्य को बड़े सरल उदाहरण से समझाया। गुरुदेव ने बताया, जैसे अंधकार में, अंधेरे में आप रस्सी को कभी सांप समझ लेते हैं तो कभी फूलों का हार। जहां सर्प का भ्रम आपके भीतर भय को उत्पन्न करता है, वहीं फूलों का हार आसक्ति को, और ये दोनों ही असत्य है, भ्रम है। इसी तरह जीवन में कुछ परिस्थितियों से हम भयभीत हो जाते हैं और कुछ परिस्थितियों से हम गर्व में फूल जाते हैं, और यह दोनों ही अहंकार अज्ञान का प्रतीक है। यूं तो अहंकार बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन इस मार्ग पर बढ़ते हुए यदि हम अपने भीतर इस रोग को, दोष को जानना चाहते हैं तो एक बड़ा सरल सा मार्ग है। इस मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर बढ़ते हुए जब कभी भी विपरीत परिस्थितियां मिलने पर, मन के प्रतिकूल होने पर आप अपमान का अनुभव करें, और जब कभी मन के अनुकूल होने पर आपकी प्रिय परिस्थितियां आपके समक्ष आए तो आप सम्मान का अनुभव करें, तो आप समझ लीजिएगा ये अहम का रोग, यह अहम का दोष हमारे भीतर है। जो व्यक्ति जितना अधिक अहंकारी होता है, जितना अधिक अभिमानी होता है, वह सम्मान और अपमान से उतना ही अधिक प्रभावित होता है, और ये वो दोष है जिसमें साधक खुद ही ज्ञान मार्ग को छोड़कर चला भी जाता है, इस मार्ग से स्वयं ही दूर हट जाता है। एक बार आश्रम में दो सेवादार भाइयों को एक सेवा कार्य दिया गया। दोनों का स्वभाव भिन्न था, इसलिए उस कार्य को करते हुए उनमें कुछ मतभेद हुआ और एक बार किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तब उसमें से एक सेवादार भाई गुरु महाराज जी के पास आए और कहने लगे, महाराज जी अब मैं ये सेवा नहीं कर सकता, मुझसे यह कार्य नहीं हो पाएगा, और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा देखता हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है,
मैं आश्रम को छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उस समय गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, यह क्या बात हुई, झगड़ते आपस में हो और छोड़कर हमें चले जाते हो। गुरुदेव की करुणा स्नेही ममत्व को लिए यह शब्द जहां गुरु के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, वहीं एक गहन संदेश भी हम सभी को प्रदान कर रहे हैं कि जिन दोषों के कारण, अपने जिन कमियों के कारण हम दुखी होते हैं, हम उन दोषों को नहीं त्यागते, अपितु अपने व्यर्थ के अहंकार को बचाए रखने के लिए हम ज्ञान मार्ग का ही त्याग कर देते हैं, हम गुरु का ही त्याग कर देते हैं। और अगर इससे बचना चाहते हैं, इस अहम रूपी असुर से बचना चाहते हैं, दोष से बचना चाहते हैं, तो मार्ग क्या है? जिस समय श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण की ओर से कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया, और जिस समय कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उपस्थित हो रहा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में रचित कर देते हैं, कुंभकर्ण दुर्मत रण रंगा, चला दुर्ग तजी सैन ना संगा। कुंभकर्ण इतनी बड़ी वानर सेना से युद्ध करने के लिए अकेला आया है, चला दुर्ग तजी सैन ना संगा, और उसके पास कोई विशेष अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, रथ भी नहीं है, और उसकी युद्ध की रणनीति वह भी कोई विशेष नहीं है। जो सामने आ रहा है उसे आहत करता जा रहा है। यद्यपि कुंभकर्ण के पास कोई विशेष रणनीति नहीं दिखाई देती, लेकिन कुंभकर्ण जब युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ, तो प्रथम चरण में उसने महाबली हनुमान, नल नील सुग्रीव अनेक वानर योद्धाओं को परास्त कर दिया, उन्हें आहत कर दिया, उन्हें अपने प्रहार से मूर्छित कर दिया। संत कहते हैं ये घटना बहुत सुंदर संदेश देती है। वानर कौन है? देवता, जिन्होंने प्रभु कार्य को सिद्ध करने के लिए वानर के रूप में जन्म लिया है। देवता सुर अर्थात सद्गुण, और कुंभकर्ण कौन है? अहंकार दुर्मद। संतों ने समझाया कि आप सद्गुणों के कितने भी समूह को एकत्र कर लीजिए, उन सभी को समाप्त करने के लिए, परास्त करने के लिए एक अहंकार ही पर्याप्त है, और इससे बचना है तो साधक को क्या करना होगा, शिष्य को क्या करना होगा? तो कहा वही जो सुग्रीव जी ने किया। जिस समय कुंभकर्ण ने सुग्रीव पर प्रहार किया, उन्हें मूर्छित कर दिया, तो अपने बगल में दबा लिया, और जैसे ही सुग्रीव जी की मूर्छा छूटी, तो वह एक कार्य करते हैं जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, निबुकी गयउ तेहि मृतक प्रतीति। सुग्रीव जी जीते जी मृत के समान हो गए, अर्थात जो जीते जी मरने का गुण सीख लेता है, वह अहंकार से सहज ही मुक्त हो जाया करता है, और यह जीते जी मरने का गुण क्या है? समर्पण। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिष्य को, साधक को अपने हृदय के भीतर से, अपने अंतःकरण से अहंकार रूपी शैतान को निकाल फेंकना चाहिए, और इसके लिए मात्र समर्पण ही एक मार्ग है। भक्तों, ये अहंकार और समर्पण क्या है, इसे एक विचार से समझने का प्रयास करते हैं। अहंकार अज्ञान है, यह अज्ञान कि मैं करने वाला हूँ, मेरा बल, मेरा सामर्थ्य, मेरा गुण है जो किसी कार्य को सिद्ध करता है। जब ये अज्ञान साधक को होता है, तो यही अहंकार का रूप लेता है। और समर्पण क्या है? समर्पण है ज्ञान, यह जान लेना कि जो शक्ति, जो बल, जो सामर्थ्य मेरे भीतर है, वो ऊर्जा, वो शक्ति मात्र मेरे गुरुदेव की है। और जब साधक इसका अनुभव कर लेता है, इसे जान लेता है, तो अपने मन बुद्धि विचारों को गुरु के श्री चरणों में अर्पित कर देता है। तब जैसा गुरु कहते हैं वैसा ही वह करता है। और जब यह समर्पण का गुण साधक अपने जीवन में धारण कर लेता है, तो वह अहंकार के प्रहार से मुक्त हो जाता है, वह अहंकार के प्रहार से कभी प्रभावित नहीं होता। इसलिए गुरु भक्तों, इस मार्ग पर बढ़ते हुए परिस्थितियां हमेशा परिवर्तित होती ही रहेंगी। कभी मन के अनुकूल होगा तो कभी मन के प्रतिकूल होगा, और इन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर हम अपमान और सम्मान का अनुभव नहीं करना चाहते, अगर हम अपने अहम को मिटाना चाहते हैं, तो हमें समर्पण के गुण को धारण करना ही होगा। और जो साधक इस गुण को धारण कर लेते हैं, फिर वह शैतान के अहंकार रूपी प्रहार से
बच जाया करते हैं, स्वयं का रक्षण कर लिया करते हैं। तीसरा दोष, एक बार शैतान ने अध्यात्म पथ पर बढ़ते हुए पथिकों को रोकने के लिए एक दुकान लगाई और उस पर सामान क्या रखा, अहंकार को बढ़ाने वाले दर्पण, दूसरों को छोटा हीन समझने वाले चश्मे, इस मार्ग पर अटकाने के लिए ईर्ष्या द्वेष के रोड़े, एक पत्थर। एक व्यक्ति उस दुकान पर आया, उसने उनकी कीमत पूछी तो दुकानदार ने कहा, शैतान ने कहा, आप इसकी कीमत अभी मत चुकाइए, इन्हें घर ले जाएं, फिर किश्तों में चुकाते रहें। दूसरा व्यक्ति आया, उसने ध्यान से एक एक वस्तु को देखा, तभी उसकी नजर गई कोने में पड़ी हुई एक वस्तु पर। उसने उसके विषय में जानना चाहा तो उत्तर मिला कि यह मेरी सबसे प्रिय वस्तु है, इसका प्रयोग मैं सबसे अधिक करता हूं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर आपने इसे बाकी वस्तुओं के साथ क्यों नहीं रखा? शैतान ने कहा, क्योंकि जो इसे जान जाएगा वो खुद को मुझसे बचा लेगा। ये सुनते ही आश्चर्य से उस व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया, भला ये ऐसी कौन सी वस्तु है? शैतान ने कहा, संशय। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, संशय विनाश कर देने वाली है। और यह है साधक का तीसरा दोष, तीसरी कमी जिस पर शैतान प्रहार करता है। और ये संशय साधक को कैसे भ्रमित करता है, कैसे भटकाता है, कैसे उसे प्रभावित करता है, इसे घटना से समझते हैं। एक बार हिस्टोरियन माइकल मैकॉर्मिक से पूछा गया, व्हाट वाज द वर्स्ट टाइम टू बी अलाइव इन हिस्ट्री, इतिहास का ऐसा कौन सा सबसे बुरा समय है, सबसे बुरा दौर है जिसमें आप कभी नहीं जाना चाहेंगे? तो उन्होंने उस समय सन 1347 नहीं कहा, जब ब्लैक डेथ महामारी ने यूरोप के लगभग 20 मिलियन लोगों को प्रभावित किया, और ना ही उन्होंने 1941 से 1945 का समय चुना, जब द होलोकॉस्ट नेट्सी जर्मनी में निर्मम नरसंहार किया गया। उन्होंने कहा, ईयर 536 वॉज द वर्स्ट टाइम टू बी अलाइव, सन 536 वो समय है जिसमें मैं कभी भी नहीं जाना चाहूंगा। और ये वो समय था जब मिस्टीरियस फॉग, रहस्यमय कोहरे ने 18 महीनों तक यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया को अंधकार में डुबो दिया था। और उसी समय के विषय में स्कॉलर प्रोकोपियस लिखते हैं, फॉर द सन गेव फोर्थ इट्स लाइट विदाउट ब्राइटनेस लाइक द मून ड्यूरिंग द होल ईयर, सूर्य ने पूरे साल मात्र चंद्रमा की तरह अपना प्रकाश दिया। और स्थिति इतनी भयंकर थी उस समय कि दिन के समय में भी कोहरे ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर लिया, रोक दिया। और गर्मियों में दिन का तापमान भी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। और ठंड के इस समय में, अंधकार के इस समय में भयंकर अकाल पड़ा, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। और इतिहासकारों ने उस समय को, उस काल को डार्क एज कहा है। लंबे समय तक ये कोहरा, ये मिस्टीरियस फॉग एक रहस्य बना रहा कि ये कहां से आई, किस कारण से आई थी। पर कुछ समय पहले द क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैने के ग्लेशियोलॉजिस्ट पॉल मवेस्की और उनकी टीम, और साथ ही माइकल मैकॉर्मिक ने जिस समय स्विस ग्लेशियर का विश्लेषण किया, तो उन्हें ज्ञात हुआ सन 536 की शुरुआत में आइसलैंड में एक बहुत विशाल भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ये इतना बड़ा था, इतना विशाल था, जिसने ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को ही बदल दिया और विश्व को भयंकर स्थिति से गुजरना पड़ा। और ये बात प्रूव भी हो चुकी है कि जिस समय ज्वालामुखी फूटता है तो उससे निकलने वाला कोहरा, उससे निकलने वाली गैसेस एरोसोल व्हील, एरोसोल परत बनाती है जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है। भक्तों, जिस तरह सन 536 के उस दौर में भी सूर्य समान रूप से अपना प्रकाश दे रहा था, लेकिन फिर भी उस कोहरे के कारण विश्व को एक भयंकर स्थिति से गुजरना पड़ा और ऐसा लगा मानो पृथ्वी का जीवन सूत्र ही टूट गया हो। यही कार्य संशय साधक के जीवन में करता है। जब संशय का कोहरा फैलता है और अगर साधक उससे प्रभावित हो जाए तो उसका भी भक्ति सूत्र टूटने लगता है। और ऐसा ही हुआ था महाबुद्ध के समय में। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य देवदत्त, जिसने
महाबुद्ध के श्री चरणों में अपने शब्दों को तो साध लिया था, लेकिन अपने चरित्र को नहीं साध पाया था। इसलिए वह महाबुद्ध के पद को पाने की अभिलाषा करता है, उसे पाने का प्रयास भी करता है, और जब उस प्रयास में वह विफल हुआ तो देवदत्त ने 300 भिक्षुओं 300 सन्यासियों के भीतर यह संशय का विष घोल दिया कि अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो महाबुद्ध को छोड़कर मेरी शरण में आना होगा। और भक्तों, वो 300 सन्यासी, वह 300 भिक्षु जो विकारों से अपने आप को दूर हटा रहे थे, उसमें सफल हो रहे थे, जो मान अपमान सम्मान से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, उसमें संयम धारण कर रहे थे, उसमें समर्पण का भाव ला रहे थे, वो 300 भिक्षु संशय से ऐसे प्रभावित हुए कि कुछ समय के लिए उन्होंने अपने गुरुदेव महाबुद्ध और संघ का ही त्याग कर दिया। इतनी बड़ी हानि अपनी करी उन्होंने कुछ समय के लिए। और ऐसा ही संशय का प्रहार हुआ 28 जनवरी 2014 को, जब विश्व शांति पुरोधा गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने विश्व कल्याण के लिए समाधि की दिव्य लीला की। वह समाधि जिसके विषय में स्वयं गुरुदेव ने प्रत्यक्ष रूप से अपने अनेक शिष्यों को बताया और अपने भक्तों को, असंख्य भक्तों को अनुभवों के माध्यम से समाधि के विषय और समाधि से लौटने के विषय में बताया है गुरुदेव ने। लेकिन फिर भी कुछ आसुरीय प्रवृत्तियों ने, शैतानी तत्वों ने यह संशय प्रसारित किया कि यह समाधि नहीं मृत्यु है। भला आज के समय में ऐसी समाधि कैसे हो सकती है। बहुत दुष्प्रचार किया गया, ये संशय का कोहरा फैलाया गया। और जो साधक इस संशय से प्रभावित हो गए, वह इस समाधि काल में, जिसे स्वर्णिम समय कहा जाता है, जिसमें साधक थोड़ा सा भी प्रयास करके अधिक आध्यात्मिक समृद्धि को पा सकता है, वो साधक, वो शिष्य इस अवसर से चूक गए या चूक रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने पहले ही समझा दिया था कि यह समय संशय का नहीं है। क्योंकि भक्तों, संशय क्या है? संशय बुद्धि का वह दोष है जिसमें सत्य समक्ष होते हुए भी आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते, आप उसे समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। और बुद्धि के द्वारा तो देवता भी साकार प्रभु की लीला को समझ नहीं पाए, रहस्यों को समझ नहीं पाए, तो भला मानवीय बुद्धि से उस दिव्य सत्ता की साकार लीला को समझना कहाँ सरल है, कहाँ सहज है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, बुद्धि मत लगाना। और संशय से बचना चाहते हैं तो यहाँ भी साधक को एक गुण को धारण करना होगा, और वह है विवेक। और ये विवेक कैसे प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक ना हुई, सत्संग को जीवन में धारण करना होगा, अर्थात सत्संग। आपको आज्ञा चक्र पर गुरु के सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप से जुड़ना होगा। और जिस समय साधक गुरु के ज्ञान स्वरूप से जुड़ता है तो उसके भीतर विवेक जागृत होता है, और गुरुदेव की वह पंक्तियां अक्षरशः उसके जीवन में सत्य हो जाती हैं, जो गुरुदेव ने कहा ना, बुद्धि लगाना तो जुड़ना मेरे संग। जो बाहर घट रहा है, जहां हमें संशय हो रहा है, वहां बुद्धि ना लगाएं, गुरुदेव से यहां आज्ञा चक्र पर हम जुड़ जाएं, ज्ञान स्वरूप से जुड़ जाएं। और जब साधक उस विवेक को प्राप्त करता है गुरु से जुड़कर, तो शैतान का यह संशय का प्रहार भी विफल हो जाता है। ये तीन दोष, ये तीन कमियां हैं जिस पर शैतान प्रहार करता है। पर चलिए भक्तों, इन तीनों कमियों के विषय में थोड़ा सा विश्लेषण करते चलते हैं, समझते चलते हैं। काम का प्रहार, अहंकार का प्रहार और संशय का प्रहार, बाहर से देखने में ये तीनों भिन्न लगते हैं, अलग लगते हैं, पर इन तीनों का परिणाम एक ही हुआ करता है। और वह क्या है? साधक अपने दिव्य लक्ष्य को विस्मृत कर देता है। अगर आप काम के प्रहार से प्रभावित हो गए, काम में उलझ गए, वासनाओं में उलझ गए, तो आपकी दृष्टि दूसरों पर रहती है। अगर आप अहंकार में उलझ गए, इस प्रहार से प्रभावित हो गए, तो स्वयं पर केंद्रित रहते हैं। और अगर संशय के प्रहार से आहत हो गए तो अपने दिव्य लक्ष्य पर ही प्रश्न हो जाता है। और इन तीनों ही स्थितियों में साधक की स्थिति उस फुटबॉल प्लेयर की तरह होती है, जो अपने खेल की हर टेक्निक को सीखे, खूब प्रैक्टिस भी करे, लेकिन जिस समय वो खेल के मैदान में उतरे और यही भूल जाए कि उसे गोल कहाँ करना है,
तो क्या कभी वह विजित हो सकता है? नहीं। टेक्निक जानते हुए, खूब प्रैक्टिस करते हुए भी अगर वो फुटबॉल प्लेयर अपने गोल को भूल गया कि उसे गोल कहाँ करना है, तो वो परास्त होता है, पराजित होता है। ऐसे ही इस मार्ग पर चलते हुए अगर हम यही भूल गए कि हम किस लक्ष्य को लेकर बढ़े हैं, हमने किस लक्ष्य को लेकर अपने कदमों को इस मार्ग पर बढ़ाया है, तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पराजित हो जाएंगे। और ये कलिकाल का समय, जब काल अधिक शक्तिशाली हो चुका है, वो कब, कैसे, किस रूप में साधक पर प्रहार कर देगा, ये जानना सहज नहीं है। इसलिए इस समय में, इस भीषण समय में, हम सभी साधकों को एक ऐसा सटीक सूत्र चाहिए जो हमारी विजय को सुनिश्चित कर दे, जो यह सुनिश्चित कर दे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। गुरु भक्तों, 21 सितंबर 1971 में डेविड फिलिप वेटर का जन्म हुआ और ये बालक SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी से पीड़ित था। ये वो रोग होता है जिसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग न के बराबर होती है, इसलिए वो एक वीक से वायरस से भी लड़ नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी रोग से बचाने के लिए वेटर को जर्म फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए स्टेराइड चेंबर में रखा गया। उसे हर वस्तु स्टेराइज कर दी जाती थी और इलाज के लिए जब उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया तो 15 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण जांचने पर पता चला कि प्री ट्रांसप्लांट स्क्रीनिंग में एक वायरस अनडिटेक्टेबल रह गया था और वो उस एक वायरस से भी लड़ नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। एक वायरस कितना हानिकारक हो सकता है, कितना प्रभावी हो सकता है, COVID-19 के दौर में हम सब ने यह अनुभव किया है। और साइंटिस्ट का तो यह कहना है कि इस पृथ्वी में इतने वायरसेस हैं कि यदि उन्हें एक सीध में लगाया जाए तो लगभग 10 करोड़ प्रकाश वर्ष के समान होंगे। और इसीलिए उन्हें कहना पड़ा, वी रियली आर लिविंग इन अ बैक्टीरियल वर्ल्ड, वास्तव में हम उन सूक्ष्म जीवों के जगत में, माइक्रोबियल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां हर पल वो हम पर प्रहार कर रहे हैं। और यदि हमने इस प्रहार से बचना है तो हमें एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम की आवश्यकता है। जैसे इस संसार में अपने तन को जीवित रखने के लिए हमें एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम की आवश्यकता है, उसी तरह काल के, शैतान के प्रहार से स्वयं को बचाने के लिए, अध्यात्म के जगत में अपनी साधकता के रक्षण के लिए हमें स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम की आवश्यकता है। और इसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म बल कहा गया है, ब्रह्म तेजो बलम बलम। और जिस समय एक पूर्ण सदगुरु ब्रह्म ज्ञान द्वारा शिष्य के आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं, तब शिष्य ज्ञान मार्ग पर बढ़ते हुए, इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते हुए ब्रह्म बल को अर्जित करता है। और यही है वह सटीक सूत्र जो शिष्य साधक की विजय को सुनिश्चित करता है। गुरु भक्तों, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने हम सभी ब्रह्म ज्ञानी साधकों को यह विजय सूत्र प्रदान किया है। और यदि इसे प्राप्त करके भी हम शैतान के प्रहार से प्रभावित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक हमारी ही ओर से है। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति सारा जीवन निर्धनता में व्यतीत कर दे और मृत्यु के बाद यह ज्ञात हो कि उसकी कुटिया के नीचे, झोपड़ी के नीचे खजाना था, तो सभी उस व्यक्ति को दुर्भागी, अभागी कहेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसे पता है कि मेरे पास रत्नों की खदान है फिर भी वह दुखी है? इस संसार के वह मनुष्य जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें यह ज्ञात ही नहीं कि ईश्वर रूपी खजाना उनके भीतर है, वो भवसागर के दुखों को भोगने के लिए विवश हैं। लेकिन हम ब्रह्म ज्ञानी साधकों के भीतर गुरुदेव ने ईश्वर रूपी खजाने को प्रकट किया है और इस खजाने से हम लाभ ले पाए, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, यह गुरुदेव की करुणा और कृपा ही है कि वो सदैव हमें प्रेरित करते हैं। इस समाधि काल में भी गुरुदेव अनुभवों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि सतर्क होकर बढ़ो, बाहर जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं उससे स्वयं का रक्षण करो। गुरुदेव ने समझाया, अभी तो बवंडर उठेंगे भयंकर, पथ में बढ़ेंगे अभी शूल कंकड़, समय अत्यंत भयंकर है। ऐसे अनेक अनुभव हैं जो यह संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार
भोर से पहले रात्रि अधिक गहन हो जाया करती है, अधिक काली हो जाती है। उसी प्रकार भक्तों, हम नवयुग के अति समीप हैं, इसलिए काल ने अपने प्रहार तीक्ष्ण कर दिए हैं। चाहे हम बाहरी संसार की बात करें या आध्यात्मिक संसार की, शैतान अपने प्रहारों को तीक्ष्ण कर चुका है, हर ओर अशांति दुख का विस्तार कर रहा है। एक बार एक गुरु भाई जब साधना में बैठे तो अनुभव में गुरु महाराज जी ने उन्हें समझाया कि आज का समय वैसा ही समय काल है जैसा त्रेता में श्री राम और रावण के धर्म युद्ध के समय था, जैसा द्वापर में पांडवों और कौरवों के धर्म युद्ध के समय था। आज अडिगता से अपने शिष्य धर्म का निर्वाह करना होगा, तभी इन भीषण परिस्थितियों से पार पा सकते हैं, इनमें विजित हो सकते हैं। साधको, जिस प्रकार श्री राम ने वानरों का चयन किया था, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का चयन किया था, उसी प्रकार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने हम सभी का चयन किया है। और गुरु वह सर्वोच्च शक्ति हुआ करती है, यदि साधक उनका आश्रय ले ले, उनसे जुड़ जाए, तो इस संसार की कोई भी अन्य शक्ति साधक को परास्त नहीं कर सकती। और गुरु की दिव्यता को प्रकट करता ऐसा ही एक बड़ा सुंदर अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। एक बार एक गुरु बहन के मन के भीतर कुछ लोगों की परिस्थिति को देखकर, मनस्थिति को देखकर एक प्रश्न हुआ कि महाराज जी, कैसे नकारात्मक शक्तियां किसी की बुद्धि को इतना प्रभावित कर देती हैं कि उन्हें कितना भी समझाया जाए वो क्यों समझ नहीं पाते। उस समय जब वह बहन साधना में बैठी तो उन्होंने अनुभव में एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि शैतान है और वो अपने हाथ को सर के पास घुमाता है और तभी उसके सर के चारों ओर एक घेरा बन गया। उस घेरे में से किरणें निकलने लगी, रेस निकलने लगी। अब वो किरणें जिस भी व्यक्ति का स्पर्श करती, उस व्यक्ति के सर के चारों ओर भी वैसा ही घेरा बन जाता और उसका अपनी बुद्धि से कंट्रोल खत्म हो जाता। अब वो व्यक्ति वही सोचेगा, वही करेगा जो शैतान उसे करने को कहेगा। उस गुरु बहन ने तभी देखा कि वो किरणें उनकी ओर आने लगी। ये देखते ही वह गुरु बहन ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करने लगी। इस मंत्र का जाप करते ही उन्होंने पाया कि वो किरणें उनका स्पर्श नहीं कर पाई। इस अनुभव के माध्यम से गुरु महाराज जी ने उन्हें समझाया, जो गुरु का ध्यान करेगा, जो गुरु में एकाग्र रहेगा, गुरु से जुड़कर रहेगा, फिर शैतान का प्रहार होने पर वह उससे बच जाएगा। लेकिन जो गुरु को छोड़कर किसी और का ध्यान, किसी और का चिंतन करेगा, किसी और से जुड़ेगा, फिर शैतान का प्रहार होने पर वह उससे बच नहीं पाएगा। गुरु से जुड़ना होगा, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्म का साकार रूप हुआ करते हैं। जहां गुरु के ज्ञान स्वरूप का ध्यान साधक को ब्रह्म बल देता है, वहीं गुरु के साकार रूप का चिंतन, स्मरण, उनके नाम का जाप करना, यह भी शिष्य को, साधक को ब्रह्म बल से ही पोषित करता है। और गुरु भक्तों, जिस समय साधक इस ब्रह्म बल को अर्जित कर लेता है, तब गुरु की कृपा से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है जो इस समीकरण को बड़ा सुंदर रूप से प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। एक बार माँ पार्वती पर विस्मरण के दैत्य अपस्मार ने प्रहार किया और उस प्रहार के कारण माँ पार्वती सब कुछ विस्मित करने लगी, सब कुछ भूलने लगी। और उस समय भी माँ पार्वती उस विकट परिस्थिति में भी ध्यान में निमग्न हो भगवान शिव का स्मरण करती रही, भगवान शिव का चिंतन करती रही। और उस समय भगवान शिव आनंद तांडव करते हुए नटराज रूप में प्रकट हुए। पर एक बड़ी विचित्र घटना है, ये हमें सोचने पर विवश करती है कि जब माँ पार्वती पर एक दैत्य ने प्रहार किया है जिस कारण वे सब कुछ विस्मित कर रही है, भूल रही है, अगर वे पूर्ण रूपेण से उससे प्रभावित हो जाए तो उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ भगवान शिव को तो रौद्र रूप धारण करना चाहिए और अपनी क्रोधा अग्नि से उस दैत्य को भस्म कर देना चाहिए। फिर क्यों भगवान शिव आनंद तांडव कर रहे हैं? क्योंकि भगवान शिव प्रसन्न हैं माँ पार्वती के प्रयास से। इस परिस्थिति में भी वह शिव के ध्यान में निमग्न हैं, इसलिए महादेव प्रसन्न हैं।
इसीलिए आदि गुरु महादेव नटराज रूप में अपने चरण प्रहार द्वारा उस दैत्य का दमन करते हैं। यही घटना घटित होती है साधक के अंतर्घट में। जब वह आज्ञा चक्र पर गुरु से जुड़ता है, उस समय शिव समान सतगुरु नटराज रूप में उसके घट के भीतर प्रकट होते हैं और अपने एक चरण के द्वारा शिष्य के उन दोषों अवगुणों पर प्रहार करते हैं, उनका दमन करते हैं जो इस लक्ष्य से हमें विचलित कर देने वाले हैं। और वही सतगुरु अपने दूसरे चरण से साधक को आध्यात्मिक उन्नति समृद्धि प्रदान करते हैं और उस समय शिष्य के जीवन में वह मंत्र साकार हो जाता है जब वह असत्य मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सत्य अमृत के साम्राज्य में प्रवेश करता है, अपने लक्ष्य को विजित कर लेता है। गुरु भक्तों, निसंदेह इस मार्ग में बढ़ते हुए इस काल के प्रभावी समय में परिस्थितियां विकट हैं बाहर और भीतर, लेकिन शिष्य अगर ब्रह्म बल और गुरु की कृपा रूपे से सुंदर समीकरण को लेकर बढ़ता है तो वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर भी लेता है। और इसी यात्रा को व्यक्त करते हुए एक शिष्य ने शब्दों में कुछ यूं व्यक्त किया, चला फिर एक बार पुनः वो रूप बना विकट विकराल, संशय अहम काम अस्त्र से साधकता पर करने तीक्ष्ण प्रहार, ब्रह्म बल कर अर्जित साधक लक्ष्य पथ पर पग धरे, ध्यान धरे सतगुरु का नित इस संग्राम में डटे रहे, तब हो प्रगट सतगुरु घट में रूप धरे नटराज, दमन करे दुष्ट कपल में साधक को दे अवैदान, ले संबल ब्रह्म बल का और पास सतगुरु की कृपा अपार, तब निश्चित साधक पा जाता जीवन लक्ष्य दिव्य महान, तब निश्चित साधक पा जाता जीवन लक्ष्य दिव्य महान। इसलिए गुरु भक्तों, आए अंत में गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा से हर साधक हर शिष्य अपने लक्ष्य को विजित करे और ब्रह्म ज्ञानी साधकों की सृजन सेनानियों की यह विजय संपूर्ण प्राणियों को अज्ञान के शैतान के साम्राज्य से मुक्त करवा दे और विश्व में चहो और शांति की स्थापना हो। आए इसी मंगल कामना के साथ हम गुरुदेव के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हैं एक जयघोष के माध्यम से। बोलिए ब्रह्म ज्ञान प्रदाता गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।